मेरा नाम मुख्तार अली है। आप किस वार्ड से खड़े हुए? मैं वार्ड नंबर 54 से खड़ा हूँ। इस वार्ड लेकिन यहाँ के जो है बिजली का जो है समस्या इतना ज़्यादा है कि एक जो गरीब आदमी जो है उसका बिल नहीं भर सकता है। हम चले जाएं, गंदगी की भरमार है। केवल काम हुआ है अच्छे कॉलोनियों में जहाँ इनके भाजपा के चाटुकार लोग रहते हैं और दिखावे के। हम अपने संसदीय क्षेत्र इस 54 वार्ड में मुख्तार अली जी हमारे प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं आगे, और मैं इस क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि इनको भारी से भारी मोहब्बत से ये विजयी बनावें। ये बड़े अच्छे, ये अभी हाल ही में BHU से रिटायर्ड व्यक्ति हैं। लोग आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हनान फातिमा, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS न्यूज चैनल पर। BTS न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। जो है पूरा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ रोड, हमारे यहाँ सीवर, हमारे यहाँ जो है बहुत से परेशानियाँ है जो जनता जिससे त्रस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी इंसान जो है जीता हुआ आज तक कोई काम नहीं किया। मैं डॉक्टर प्रेत पांडे, महानगर अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी वाला। तो अभी तक जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, अभी तक तो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, पश्चिमन आया है, वार्ड निर्धारित हुए हैं, अभी आरक्षण नहीं निर्धारित हो पाए हैं, और इलेक्शन इस तरह से हो रहा है कि देखिए लग रहा है कि चट मंगनी चट ब्याह, इस तरह के चुनाव कराए जा रहे हैं। और जनता जो जितने सारे राजनीतिक दल हैं वो बंद कमरे में बैठे हुए हैं, और जैसे आरक्षण होगा उनको टिकट मिलेगा, और जनता के बीच कोई संघर्ष करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केवल एक सिंगल आम आदमी पार्टी है जो आरक्षण को थोड़े देख रही है, वो तो अपने संघर्षों के दौर से गुजर रही है, जनता के बुनियादी चीज़ों से लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। हमें तो चुनाव लड़ाना हमारा उद्देश्य थोड़े है, हमको तो परिवर्तन लाना है, ईमानदार राजनीति लाना है, बुनियादी चीज़ों को पूरी करनी है। ये निचली इकाई का चुनाव है, नीचे के पायदान का चुनाव है, और जनता के जुड़ने का बहुत ही खूब अवसर है। और ऐसे समय में लोग टिकट लेने की कवायद कर रहे हैं, जनता के बीच में जाने कोई काम नहीं कर रहा है। आप देख लो, BJP का पार्षद है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, उनके जो चुनाव लड़ने वाले सेकेंड और थर्ड फाइटर हैं वो कहीं विपक्ष की भूमिका में नज़र नहीं आते हैं, कहीं काम करते हुए नज़र नहीं आते हैं, कहीं विरोध करते हुए नज़र नहीं आते हैं, नगर निगम को ज्ञापन देते हुए नज़र नहीं आते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव के परिणाम के बिल्कुल बेफिक्र होकर जनता के बुनियादी चीज़ों को पूरा करने की कवायद कर रही है। हमारा जो दिल्ली का विकास मॉडल है, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, वो नगर निगम के अगर क्षेत्र में जो भी होंगे, ऑटोनॉमस संस्था में हमको पूरे करने का पूरा प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, और ये भी कहती है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें चुनाव हरा देना। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं जो ये कहे कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे चुनाव हराने काम करना, मात्र केजरीवाल कहता है। तो बनारस की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बनारस की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है हमारे केजरीवाल जी। पंडित विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी वाराणसी। तो अभी तक जो आपकी पदयात्राएं चल रही हैं तो उसमें आपने क्या देखा? सर, हमने पदयात्रा में अपने जनता के बीच में जाने का काम जो किया है, जनता को बताने का संदेश दिया है कि हमारी मूलभूत समस्याएं जो है जनता की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये नगर निगम वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के 35 सालों के शासन के बाद भी हमें दावे के साथ कह सकते हैं कि कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। काम वही हुआ है जहां अच्छी कॉलोनियां हैं, अच्छे लोग हैं, जहां कि स्वयं वो अपना काम कर सकते हैं, वहाँ नगर निगम के द्वारा काम कराया गया है। आप कैमरा घुमा करके पीछे ही देख लें, ये कमल पटेल जी का चार बार से यहाँ से जीत चुके हैं, पांचवी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस क्षेत्र की क्या हालत है। तो सबसे बड़ी जो दुर्दशा है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं। अब देखा जाए तो देश में पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक सब कुछ भाजपा के हाथों में है, लेकिन काम देखा जाए तो कथनी और करनी में इनके जमीन आसमान का अंतर है। हमें शर्म आती है कि हमारे सांसद महोदय के रहते हुए जो देश के प्रधानमंत्री।